आज यासीन मलिक का केस थे विद रिगार्ड टू दैट एयरफोर्स किलिंग केस, जो एयरफोर्स ऑफिसर उसको इन्होंने मारा है श्रीनगर में, जब वो ड्यूटी पर जा रहे थे तो सारे यंग थे, यंग ऑफिसर्स, तो उसमें जिनकी डेथ हुई थी और कुछ सीरियसली इंजर्ड हुए थे, यासीन मलिक एंड एसोसिएट्स, दे आर फेसिंग द ट्रायल हियर। तो कुल 10 मुलजिम है इसमें, यासीन मलिक इसमें मुख्य आरोपी है। तो वो आज वर्चुअल मोड पर पेश हुआ, उसको पिछले डेट पर ऑनरेबल स्पेशल जज टाडा ने प्रोडक्शन वारंट निकाला था, लेकिन सुपरिंटेंडेंट प्रिजन जो सेंट्रल जेल नंबर 7 है तिहाड़ जेल का, उनने एक रिक्वेस्ट लिखा था यहाँ पे, क्योंकि उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला है एनआईए केस में, तो उसका अपील उन्हें दे रहे दैट जजमेंट फॉर एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट एंड टू बी कन्वर्टेड इनटू डेथ सेंटेंस बिफोर द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट। उस वजह से हमें आदेश है इसको दिल्ली से हम मूवमेंट नहीं कर सकते। अगली तारीख वो जज साहब ने वो मान लिया, तो उन्होंने 24 को रखा इसका डेट। लेकिन यासीन मलिक लगातार स्टेटमेंट ऑफ वीके शर्मा जो विटनेस आज प्रेजेंट था, सर यासीन मलिक लगातार बोल रहे थे कि उनको फिजिकल प्रेजेंस होना है इसके, दैट इज नॉट पॉसिबल। 24